हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नवदीप सिंह, यूट्यूब चैनल एन इन योर स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज की कौन कौन से नए नेशनल हाईवेज हरियाणा में बने हैं या बनने वाले हैं, और जो पुराने नेशनल हाईवेज हैं उनके नए नाम क्या हैं और वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी और आप मेरे को अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर एक नया कोर्स शुरू किया है हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें प्रीवियस ईयर के HSSC के क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जा रहा है। और आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर और वहाँ पर नवदीप सिंह टाइप कर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरियाणा राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो देश के दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं, और केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, प्रबंधन और निगरानी के लिए उत्तरदायी होती है। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तो अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें, ये जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट पर अवेलेबल है, जो 30 नवंबर 2018 को अपडेटेड है। तो इसमें हरियाणा स्टेट के सारे नेशनल हाईवेज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले बात करें कि कुल संख्या जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की हरियाणा में अब 34 हो गई है, जिसमें नए राष्ट्रीय राजमार्ग 18 हैं तो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 16 हैं। तो इनमें से कुछ जो मैं आपको पहले नाम बता दूं उनके, NE2, इसका मतलब है नेशनल एक्सप्रेसवे 2, क्योंकि इंडिया में दो ही हैं, एक नेशनल एक्सप्रेस 1 है और ये नेशनल एक्सप्रेस 2 है। क्योंकि जो नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है वो अहमदाबाद से बड़ोदरा है, और ये जो दूसरा हमारे पास है जिसे हम KJP की नाम से भी जानते हैं, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, तो यह 135 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, लेकिन हरियाणा में इसकी कुल 44 किलोमीटर की लंबाई है। क्योंकि तो इसको बताऊंगा मैं आपके साथ। उसके बाद है 148N, ये जो 148N है तो यह इसकी जो 248A जो नेशनल हाईवे है उसके साथ ये जंक्शन में आता है, जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। और उसके बाद 152D है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, और ये कुरुक्षेत्र ज़िले के गंगहेड़ी गांव से नारनौल बाईपास तक जाता है और NH 148B को वो टच करता है। और एक है 148B जिसकी कुल लंबाई 226 किलोमीटर है। तो इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूँ जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके नए नाम अब क्या हैं। पुराने नामों को जानकर कोई फ़ायदा नहीं है, नए नाम से आप उसको याद करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेशनल हाईवे 5, जो नेशनल हाईवे 5 है, ये जो पुराना नेशनल हाईवे था 21 और 22, अब उसको नेशनल हाईवे 5 बोल दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 28.3 किलोमीटर है। कितनी है? 28.3 किलोमीटर। अब ये नेशनल हाईवे जो 5 है कहाँ पर है, अगर आप मैप को देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि ये पंजाब बॉर्डर है। पंजाब बॉर्डर से अगर हम देखें, यहाँ से ये चलता है अंबाला से चला थोड़ी सी दूर, और उसके बाद ये पंजाब में चला गया है, और पंजाब के बाद फिर ये एंटर करता है पंचकुला में, और पंचकुला से ये चंडी मंदिर, और चंडी मंदिर से पिंजौर होता हुआ हिमाचल बॉर्डर पर चला जाता है। तो नेशनल हाईवे 5 का थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ टुकड़ा, ये टुकड़ा हरियाणा में है, जिसकी कुल लंबाई है 28.3 किलोमीटर। उसके बाद है नेशनल हाईवे 105। जो नेशनल हाईवे 105 है इसका जो पुराना नाम है वो नेशनल हाईवे 21A था, और नेशनल हाईवे 105 की जो कुल लंबाई है वो 17.5 किलोमीटर है। कितनी है? 17.5 किलोमीटर। और ये जाएगा हमारा, अगर आप देखें
ये जंक्शन आपको नज़र आ रहा है, नेशनल हाईवे 5 से शुरू हुआ और ये हिमाचल बॉर्डर तक जाएगा। और कहाँ से ये जाएगा? पिंजोर, पिंजोर से कर्णपुर, कर्णपुर से जाएगा हिमाचल बॉर्डर। तो ये नेशनल हाईवे 105 है। उसके बाद जो अगला है वो है नेशनल हाईवे 7। जो नेशनल हाईवे 7 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम देखें, क्योंकि नेशनल हाईवे 7 की कुल लंबाई 39.5 किलोमीटर है। और इसके पहले क्या होता था कि नेशनल हाईवे 10, 15, 22, 58, 64, 71, 72 और 73, इन सब के जंक्शन इसके साथ जुड़े हुए थे। अब इसको एक ही नाम दे दिया गया है, नेशनल हाईवे 7। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अगर आप देखें यहाँ, ये पंजाब बॉर्डर से शुरू होता है, पंजाब बॉर्डर के बाद ये पंचकुला में एंटर करता है, पंचकुला से रायपुर रानी, रायपुर रानी के साथ ये फिर धनाना में जाएगा, धनाना से, तो अगर आप देखें इस तरह से नारायणगढ़ होता हुआ ये टच कर जाएगा हिमाचल बॉर्डर को। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 7 है जिसकी कुल लंबाई 39.5 किलोमीटर है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 907, नेशनल हाईवे 907 जिसकी कुल लंबाई है 45.9 किलोमीटर। अब जो नेशनल हाईवे 907 है वो ये आपके नज़र आ रहा है, ये वाला, ये नेशनल हाईवे 907 है जो नया है। तो ये कहाँ से चलता है? ये यमुनानगर से चलता है, यमुनानगर से जगाधरी चौक, जगाधरी चौक से होता हुआ यहाँ पर छछरौली, छछरौली से लेडी और लेडी से धारपुर और धारपुर से होता हुआ हिमाचल जो एचपी बॉर्डर है उसको ये टच कर जाता है, एचपी बॉर्डर को टच कर जाता है, क्योंकि उत्तराखंड तो इस साइड रह जाता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा जो एरिया हिमाचल प्रदेश है इसको टच करता है। तो ये 907 हमारा यमुनानगर, जगाधरी चौक, छछरौली, लेडी और धारपुर होता हुआ हिमाचल बॉर्डर को टच करता है। तो हरियाणा में इसकी जो कुल लंबाई है वो 245.9 किलोमीटर है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 9, NH9। अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है 285.9 किलोमीटर। कितनी है? 285.9 किलोमीटर। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये नेशनल हाईवे हरियाणा का वो नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है हरियाणा में, क्योंकि ये अब देखें आप कहाँ से चलेगा, दिल्ली बॉर्डर से चलता है, दिल्ली बॉर्डर से होता हुआ बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से रोहतक, रोहतक से होता हुआ हांसी, हांसी से अगर आप देखें अग्रोहा, अग्रोहा से बाडोपल, वहाँ से सिरसा, सिरसा से उड़ान, उड़ान से डब्वाली, डब्वाली से होता हुआ पंजाब बॉर्डर पर यह चला जाता है। तो ये हम कहें हरियाणा का एक प्रकार से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई हरियाणा में 285.9 किलोमीटर है। और इसका पुराना नाम क्या है? नेशनल हाईवे 10, मतलब कि नेशनल हाईवे 10 का नया नाम नेशनल हाईवे 9 है जो दिल्ली से फिरोजपुर तक जाता है पंजाब में। अगला है नेशनल हाईवे 709 जिसकी लंबाई 188.3 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 709 जिसकी लंबाई 188.3 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाएगा रोहतक, रोहतक से गोहाना, गोहाना से इसराना, इसराना से पानीपत, इसराना से पानीपत। एक लंबाई तो इसकी ये है। उसके बाद रोहतक से ये जाएगा भिवानी, भिवानी से फिर ये जाएगा लोहानी, और लोहानी से जाएगा लोहारू, और लोहारू से राजस्थान बॉर्डर को टच कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि लोहारू, लोहानी, भिवानी, रोहतक, गोहाना, इसराना, पानीपत, तो यहाँ से ये इसकी कुल लंबाई रहेगी। और इसकी कुल लंबाई हरियाणा में अगर हम बात करें वो 188.3 किलोमीटर है। उसके बाद नेशनल हाईवे 919, नेशनल हाईवे 919 जिसकी कुल लंबाई 67.9 किलोमीटर है, 67.9 किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ अगर आप देखें रेवाड़ी है, रेवाड़ी से दारूहेड़ा है,
और दारूएड़ा से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको राजस्थान का बॉर्डर से होते हुए फिर ये तावड़ू, और तावड़ू से सोहना, और सोहना से पलवल। तो इस तरह से ये चलता है अगर हम देखें, क्योंकि रेवाड़ी से दारूएड़ा कुछ पोर्शन राजस्थान बॉर्डर में चलेगा, उसके बाद तावड़ू से सोहना और सोहना से पलवल। और इसकी जो लंबाई है हरियाणा में वो 67.9 किलोमीटर है। उसके बाद नेशनल हाईवे 44 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 44 है यह वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग का पुराना नाम आपको पता है NH-7 इसका पुराना नाम है। और नेशनल जो हाईवे 44 है जिसकी कुल लंबाई 3,745 किलोमीटर है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 44 है ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से गुजरकर तमिलनाडु तक जाता है, मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कन्याकुमारी तक जाएगा। तो ये वो है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में इसका कितना एरिया पड़ता है। तो हरियाणा में नेशनल हाईवे 44 257.8 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा यहाँ से जो हम हरियाणा में एंटर करेगा पंजाब बॉर्डर से अंबाला में, अंबाला से शाहबाद मारकंडा, वहाँ से पीपली से करनाल, घरोंडा, पानीपत, समालखा, मुरथल से कुंडली, और कुंडली के बाद क्या होगा कि दिल्ली का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। और दिल्ली का बॉर्डर स्टार्ट होने के बाद कह सकते हैं कि यह दिल्ली में स्ट्रेच हो गया है। तो उसके बाद फिर ये एंटर करेगा फरीदाबाद से होता हुआ बल्लभगढ़ से होता हुआ ये पलवल से होता हुआ होडल, और होडल से होता हुआ ये आगे चला जाएगा। तो ये रहती है स्थिति नेशनल हाईवे 44 की हरियाणा में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको हम अगर हम बात करें जो नेशनल हाईवे जो हमारा है 44, इसका जो निर्माण है, जो पहले हम कहते थे क्योंकि ये NH-1 और NH-2 को जोड़ता है, जो नेशनल हाईवे 44 है NH-1 और NH-2 को जोड़ता है। तो भारत का जो परंपरागत महामार्ग है ये, इसको शेरशाह सूरी के समय में बनाया गया था, जो पहले GT रोड परंतु अब शेरशाह सूरी महामार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। यही वो GT रोड है। हरियाणा में जो नेशनल हाईवे 44 है इसकी लंबाई कितनी है, 257.8 किलोमीटर। उसके बाद है नेशनल हाईवे 344 जिसकी कुल लंबाई 109.4 किलोमीटर है, 109.4 किलोमीटर। अब जो नेशनल हाईवे 344 है, हाँ 344, तो ये कहाँ से कहाँ जाता है, तो इसको अगर आप मैप में देखते हैं तो मैप में देखने से हमें पता चलता है, तो यहाँ पर जो NH-44 है, NH-44 है, वहाँ से चलेगा अंबाला से धनाना से होता हुआ साहा से होता हुआ फिर ये जाएगा जगाधरी, और जगाधरी से तक ये जाता है, ये जो जगाधरी है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अंबाला नेशनल हाईवे 44 से चलेगा, वहाँ से फिर ये धनाना जाएगा, धनाना से साहा जाएगा, और साहा से फिर ये ऐसे होता हुआ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये UP में जाता है। लेकिन हमें सिर्फ हरियाणा देखना है, तो हरियाणा में नेशनल हाईवे 344 की जो कुल लंबाई है वो 109.4 किलोमीटर है। तो इसके बाद आता है NH-48 नेशनल हाईवे 48। अगर मैं बात करूं जो NH-344 है, इसको पुराने जो नेशनल हाईवे 72 और 73 हैं उसको नया नाम दिया गया है नेशनल हाईवे 344। अब नेशनल हाईवे 48 जिसकी कुल लंबाई 83.3 किलोमीटर है, तो ये कहां से कहां तक है, ये यहां दिल्ली से स्टार्ट करेगा, दिल्ली से गुरुग्राम, और गुरुग्राम से ये जाएगा हमारा दारूएड़ा, क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम से मानेसर से दारूएड़ा से बावल, और बावल से ये सीधा राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, दारूएड़ा,
बावल और राजस्थान बॉर्डर। तो हरियाणा में नेशनल हाईवे जो 48 है, इसकी कुल लंबाई 83.3 किलोमीटर है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 148A, नेशनल हाईवे 148A, जिसका जो पुराना नाम है वो 236 है, नेशनल हाईवे 236 है इसका पुराना नाम। अब इसका नया नाम है नेशनल हाईवे 148A, जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। और कह सकते हैं कि हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई हरियाणा में सबसे कम है 6 किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये हमारा दिल्ली बॉर्डर से शुरू होता है और ये नेशनल हाईवे 48 को मिल जाता है। बड़ा छोटा सा टुकड़ा है 6 किलोमीटर का, 148A। उसके बाद है नेशनल हाईवे 54। जो नेशनल हाईवे जो 54 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? और नेशनल हाईवे जो 54 है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 38.5 किलोमीटर, 38.5 किलोमीटर। तो ये अगर आप देखें, यहाँ पर ये पंजाब है और ये राजस्थान है, तो जो नेशनल हाईवे 54 जाता है वो पंजाब का, जो अगर हम बात करें पठानकोट है, और वहाँ से वो राजस्थान के हनुमानगढ़ तक जाता है। लेकिन हरियाणा में जो टुकड़ा उसका पड़ता है वो डबवाली से एंटर करता है और यहाँ से बाहर चला जाता है, और वो कह सकते हैं कि एक जो नेशनल हाईवे 9 है उससे क्रॉस होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है, जो हरियाणा में नेशनल हाईवे का टुकड़ा पड़ता है 54 का, तो वो उसकी जो कुल लंबाई है वो 38.5 किलोमीटर है। और वैसे मैं बात करूँ, अगर पठानकोट से हनुमानगढ़ तक देखें, इसकी जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 546 किलोमीटर है, और नेशनल हाईवे 54 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 64 है, 64। उसके बाद है NH-52, NH-52 मतलब कि नेशनल हाईवे 52, जिसकी कुल लंबाई 143.2 किलोमीटर है। तो इसको आप देखें, जो नेशनल हाईवे 152 है, ये हमारा चलता है, अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे 52 ये पंजाब बॉर्डर से शुरू करता है हरियाणा में। अगर पीछे से बात करूँ तो ये संगरूर पंजाब से आता है। वैसे तो पीछे जो संगरूर है, संगरूर से शुरू होता है पंजाब से, तो हरियाणा में एंटर करता है, पंजाब बॉर्डर यहाँ लगता है। उसके बाद ये नरवाना आएगा, नरवाना के बाद अगर हम बात करें, ये बरवाला होता हुआ ये हिसार, हिसार से होता हुआ शिवानी, और शिवानी के बाद राजस्थान बॉर्डर को टच कर जाएगा। तो इसकी जो कुल लंबाई है हरियाणा में 143.2 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 52 की। और नेशनल हाईवे जो 52 है, इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें वो 2,317 किलोमीटर है, क्योंकि ये संगरूर पंजाब से शुरू होता है और अंकोला कर्नाटक तक ये जाता है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे 152 जिसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 152 जिसकी कुल लंबाई 122 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जो नेशनल हाईवे 52 है, यहाँ से इसका जंक्शन शुरू होता है 152 का, तो नरवाना, नरवाना से कैथल, कैथल से पिहोवा, पिहोवा से होता हुआ ये जाएगा हमारा इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद से होता हुआ ये अम्बाला। तो ये रूट रहेगा इसके लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नरवाना, कैथल, पिहोवा, इस्माइलाबाद, उसके बाद अम्बाला। ये जो टुकड़ा है, कुल लंबाई इसकी 122 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसका जो पुराना, इसमें जो जंक्शन है, इसमें दो नेशनल हाईवे होते थे इस टुकड़े में, एक होता था नेशनल हाईवे 65 और एक होता था नेशनल हाईवे 22। तो उन दोनों को एक बना दिया गया है, जिसका नया नाम नेशनल हाईवे 152 हो गया है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 352, नेशनल हाईवे 352 जिसकी कुल लंबाई 186.1 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 352 जिसकी कुल लंबाई 186.1 किलोमीटर है। ये जो नेशनल हाईवे 352 है, इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 71 है, 71। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? जो नेशनल हाईवे 352 है, ये यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 52 है, यहाँ से इसका जंक्शन शुरू होता है, यहाँ से चला ये, तो जींद से होता हुआ, जींद के बाद रोहतक, रोहतक के बाद झज्जर, और झज्जर के बाद रेवाड़ी,
और रेवाड़ी के बाद ये बावल के पास में नेशनल हाईवे 48 को मिल जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नरवाना का जो नेशनल हाईवे 52 है वहाँ से चलेगा 352 ये जींद, जींद से रोहतक, रोहतक से झज्जर, झज्जर से और रेवाड़ी, रेवाड़ी से होता हुआ बावल के पास जो नेशनल हाईवे 48 है उसके साथ मिल जाएगा। और नेशनल हाईवे 352 की जो कुल लंबाई कितनी है, 186.1 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा का वो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका पुराना नाम आज भी वही है वर्तमान में भी, क्योंकि ये एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम नहीं बदला, वो है नेशनल हाईवे 11 जिसकी कुल लंबाई 88 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे जो 11 है उसकी जो कुल लंबाई है वो हमारी 88 किलोमीटर है। तो इसमें अगर हम देखें जो नेशनल हाईवे 11 है कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो जो 352 नेशनल हाईवे है वहाँ से उसका जंक्शन शुरू होगा, तो वहाँ से होता हुआ अटेली, अटेली से नारनौल और नारनौल से वो राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर टच कर जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे 11 है और जिसकी कुल लंबाई है 88 किलोमीटर और ये एकमात्र हरियाणा का वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम नहीं बदला है। तो ये थे पुराने जिसको हमने डिस्कस किया नए नाम के साथ और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हरियाणा राज्य के वो नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो नए बने हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो फटाफट देखते हैं कि हरियाणा राज्य के नए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले है NH 703, नेशनल हाईवे 703 जिसकी कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये हमारा जाएगा पंजाब का एक सरदूलगढ़ है वहाँ मानसा जिला में, सरदूलगढ़ से ये सिरसा के पास नेशनल हाईवे जो हमारा 9 है उसको टच करता है, छोटा सा ही टुकड़ा है, सरदूलगढ़ से नेशनल हाईवे 9 तक ये जाता है और जिसकी कुल लंबाई मात्र 15 किलोमीटर है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 907G, नेशनल हाईवे 907G जिसकी कुल लंबाई 14.9 किलोमीटर है। तो वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे जो हमारा जाता है वो जाएगा जगाधरी से बिलासपुर तक ये जाता है, जगाधरी से बिलासपुर 907G जिसकी कुल लंबाई 14.9 किलोमीटर है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 709A, नेशनल हाईवे 709A जिसकी कुल लंबाई है 170 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर आप देखें ये भिवानी से शुरू होगा, भिवानी से महम, महम से जींद और जींद से करनाल और करनाल होता हुआ या यूपी बॉर्डर को टच कर जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे 709A है जिसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है और ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद बात करते हैं नेशनल हाईवे 709AD, नेशनल हाईवे 709AD जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है, छोटा सा ही टुकड़ा है, ये पानीपत से शुरू होता है और ये चला जाता है यूपी में, यूपी में शामली। तो हरियाणा में तो इसका सिर्फ छोटा ही टुकड़ा है 30 किलोमीटर का, पानीपत से यूपी बॉर्डर तक 709AD का। अगर मैं बात करूं जो नेशनल हाईवे 709AD है इसको पानीपत खातिमा हाईवे भी इसको कहा जाता है, पानीपत खातिमा हाईवे, क्योंकि इसका जो पश्चिमी एंड है वो पानीपत है और जो इसका पूर्वी एंड है वो नागीना से मिलता है जाके, क्योंकि ये पानीपत से शुरू होके यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना तक ये जाता है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 334B, नेशनल हाईवे 334B जिसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ सोनीपत से शुरू होता है और सोनीपत से शुरू होके ये खरखोदा, खरखोदा से ये जाएगा झज्जर में और झज्जर से जाएगा चरखी दादरी और चरखी दादरी से ये हमारा जो 709 है उसके जो जंक्शन है उसके लोहारू के नज़दीक वहाँ तक ये जाएगा, सोनीपत, खरखोदा, झज्जर, चरखी दादरी और लोहारू। तो ये हमारा नेशनल हाईवे 334B है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है।
उसके बाद है नेशनल हाईवे 334D, नेशनल हाईवे 334D, इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। कितनी है? 17 किलोमीटर। और तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये अगर आप देखें, एक छोटा सा टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है जो 334D है, ये हमारा जो नेशनल हाईवे 44 है उससे टच कर, उससे शुरू करेगा और उससे शुरू करके नेशनल हाईवे 44 से चलेगा और यहाँ पर ये यूपी बॉर्डर को टच कर जाएगा। मतलब कि पलवल में नेशनल हाईवे 44 से चला और यूपी बॉर्डर तक चला, 17 किलोमीटर का 334D नेशनल हाईवे है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 444A, नेशनल हाईवे 444A, जिसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो नेशनल हाईवे 44 है वहाँ अम्बाला से शुरू करेगा, ये अम्बाला से साहा जाएगा और साहा से वापस फिर नेशनल हाईवे 44 को मिल जाएगा शाहबाद में। तो अम्बाला, साहा और शाहबाद, ये हमारा NH44 से चलता है, साहा होता हुआ NH44 पे फिर मिल जाता है 444 से, जिसकी कुल लंबाई 42 किलोमीटर है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 148B, नेशनल हाईवे 148B। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस किया था, ये नेशनल हाईवे 148B में अलग से बनाया है इसको, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 226 किलोमीटर है। तो ये राजस्थान बॉर्डर से चलता है, नारनौल, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद चरखी दादरी, चरखी दादरी के बाद भिवानी, भिवानी के बाद हांसी, हिसार, बरवाला होता हुआ तो ये टोहाना, और टोहाना से जाएगा वो पंजाब बॉर्डर में। तो हरियाणा में इसका ये टुकड़ा रहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान बॉर्डर से नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से बरवाला, बरवाला से टोहाना और पंजाब बॉर्डर, और इसकी कुल लंबाई है 226 किलोमीटर 148B की। अगला है नेशनल हाईवे 148N, नेशनल हाईवे 148N, जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 148N जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे 148N है तो ये मेनली जो हरियाणा में चलता है, ये जो टुकड़ा है ये फिरोजपुर जिरका है न्यू में, तो वहाँ से ये चलता है 248A के साथ साथ चलता हुआ सोहाना तक ये जाता है, सोहाना तक। और इसकी हरियाणा में लंबाई है हरियाणा में है 80 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो यहाँ नू में जो फिरोजपुर झिरका है और वो होता हुआ सोहना तक ये जाता है 248A के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 248A, जिसकी लंबाई 111 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 248A 111 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो अगर आप इसको देखें 248A को, तो हमारा ये राजस्थान बॉर्डर है, और राजस्थान बॉर्डर से तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा गुरुग्राम तक, इसी रूट को ये पकड़ेगा, गुरुग्राम सोहना है, सोहना से नू है, तो नू से राजस्थान बॉर्डर है 248A हरियाणा में, इसको 111 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद है जो नेक्स्ट है 248BB, 248BB जिसकी कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर है, 248BB। तो ये कहाँ से कहाँ जाता है, ये छोटा सा टुकड़ा अगर आप देखें 248B, तो ये शुरू करता है हमारा जो नेशनल हाईवे 48 है वहाँ से शुरू होगा, उसके बाद शिवमूर्ति से जो भरथल चौक है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, और उसके बाद फिर ये वापस जो खेड़ी धोला है, तो खेड़ी धोला तक ये आता है। तो ये इसका छोटा सा टुकड़ा है खेड़ी धोला, और इसकी कुल लंबाई है 18.1 किलोमीटर। उसके बाद है नेशनल हाईवे 152A, नेशनल हाईवे 152A जिसकी लंबाई 19.4 किलोमीटर है, 19.4 किलोमीटर। अगर आप देखें जो 152A है वो कहाँ से कहाँ जाता है, जैसा हमने बताया था आपको कि ये जो
अम्बाला से नरवाना जाता है 152, नेशनल हाईवे 152 था, पुराना ही था, तो उसके बाद एक नेशनल हाईवे 52 ये जाता है। और नेशनल हाईवे 52 पंजाब के खनौरी से शुरू होता है और ये कैथल में नेशनल हाईवे 152 से मिलता है। तो ये जो टुकड़ा है खनौरी से और कैथल में जो 152 के साथ जो टच करता है रेड कलर में, तो ये हमारा नेशनल हाईवे 152 है जिसकी कुल लंबाई 19.4 किलोमीटर है हरियाणा में। उसके बाद नेशनल हाईवे 152 डी, नेशनल हाईवे 152 डी, ये अभी हाल ही में इसको मंजूर किया गया है नेशनल हाईवे 152 डी को। तो ये कहाँ से कहाँ चलता है, ये जो कुरुक्षेत्र जिला है, कुरुक्षेत्र जिला का एक गंगहेड़ी गांव है, तो गंगहेड़ी गांव से ये नारनौल बाईपास तक आता है। तो इस दौरान नेशनल हाईवे 152 डी पर गंगहेड़ी गांव से चला ये, और यहाँ पर किसके साथ मिलता है, ये नेशनल हाईवे 152 से टच कर से चलता है। तो वहाँ से ये कोल से होता हुआ, अगर आप देखें लखन माजरा जो रोहतक में है, कलानौर है, कलानौर से फिर वो 148 बी के साथ वो टच कर जाता है। तो ये जो पूरा जो नेशनल हाईवे 152 डी है, ये कुरुक्षेत्र को एक हिसाब से महेंद्रगढ़ जिले में, कुरुक्षेत्र जिले को महेंद्रगढ़ जिले से मिलाने के लिए इसको बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 230 किलोमीटर है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 352 ए, नेशनल हाईवे 352 ए जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो नेशनल हाईवे 352 ए है, ये अगर आप देखें यहाँ से जींद से चलेगा ये, और जींद से गोहाना, और गोहाना से होता हुआ ये सोनीपत को टच कर जाएगा, जो 334 बी है उसको टच कर जाएगा। तो जींद, गोहाना और सोनीपत 352 ए हैं, 80 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 352 आर, नेशनल हाईवे 352 आर जिसकी कुल लंबाई है 22.5 किलोमीटर। अब नेशनल हाईवे 352 आर कुल लंबाई 22.5 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे 352 आर कहाँ से, ये झज्जर से शुरू होता है, झज्जर से शुरू होके दुलेड़ा, और दुलेड़ा से जो बहादुरगढ़ में जो नेशनल हाईवे 9 है उसको ये टच करता है। तो ये छोटा सा टुकड़ा है 22.5 किलोमीटर का, झज्जर दुलेड़ा और बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे 9 को टच करना, तो ये 352 आर 22.5 किलोमीटर है। उसके बाद है नेशनल हाईवे 352 डब्ल्यू जिसकी कुल लंबाई 43.2 किलोमीटर है, 43.2 किलोमीटर है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, जो 352 डब्ल्यू है जो नेशनल हाईवे, वो जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी से वो जाएगा दुलहेड़ा, दुलहेड़ा से जाएगा वो वजीरपुर, और वजीरपुर से होता हुआ वो जो नेशनल हाईवे जो 48 है गुरुग्राम में, उसको वो टच करता है। तो ये जो टुकड़ा है रेवाड़ी दुलहेड़ा पटौदी, रेवाड़ी दुलहेड़ा पटौदी वजीरपुर और गुरुग्राम, तो 43.2 किलोमीटर का ये टुकड़ा है, ये नेशनल हाईवे है हरियाणा में। उसके बाद है नेशनल हाईवे 254, नेशनल हाईवे 254 जिसकी कुल लंबाई है 47 किलोमीटर। इसको अगर आप देखें जो नेशनल हाईवे 254 है, इसकी जो कुल लंबाई है वैसे तो वो 155 किलोमीटर है, लेकिन हरियाणा में ये 47 किलोमीटर है। और ये कहाँ से चलता है, ये पंजाब स्टेट से चलता हुआ ऐसे चलता है, और उसके बाद ये जो सिरसा में जो डबवाली है उसको स्पर्श करता है एक हिसाब से, और स्पर्श करके ये नेशनल हाईवे 52 के साथ मिल जाता है। अब जो एरिया हरियाणा में चला नेशनल हाईवे 254 का, वो तकरीबन 47 किलोमीटर का है। तो ये हमने डिस्कस किए जो हरियाणा राज्य के नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इसमें एक चीज़ अभी बचती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है NE2, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये NE2 क्या है, ये नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है, क्योंकि इंडिया में तो मेनली वैसे तो काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन जिसके साथ नेशनल लिखा गया है, या तो नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है जो अहमदाबाद से बड़ोदरा है, या फिर जो दूसरा नेशनल एक्सप्रेसवे 2 है वो हमारा कुंडली गाजियाबाद और
पलवल है, जिसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसको हम ईस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे भी बोल देते हैं। लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि कुंडली मानेसर पलवल भी है, लेकिन उसके साथ नेशनल एक्सप्रेसवे नहीं जुड़ा हुआ। वैसे तो जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है वो हमारा, उसकी पहले मैं बात कर लेता हूँ, वो सोनीपत, सोनीपत से झज्जर, झज्जर से वो बहादुरगढ़ जाएगा, और बहादुरगढ़ से फिर वो नूह जाएगा, नूह से फिर वो सोहना जाएगा, और सोहना से हथनी, हथनी से फिर वो पलवल जाएगा। तो कुछ इस तरह से वो हमारा क्या बनाता है, वो वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाता है, दिल्ली वेस्टर्न फेरीफेरल एक्सप्रेसवे उसको बोला जाता है, जिसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर है। लेकिन हम बात करेंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 2 की, वो हमारा जाएगा कुंडली, कुंडली गाजियाबाद, गाजियाबाद से पलवल। तो देखो ये चला, कुंडली से चलता है, उसके बाद यूपी में एंटर करता है, और यूपी में एंटर करने के बाद ये भागपत, भागपत से गाजियाबाद, गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा से फिर ये फरीदाबाद ज़िले में कुछ एंटर करता है, फरीदाबाद ज़िले के कुछ हिस्से में एंटर करता है, उसके बाद ये पलवल, पलवल को टच करता है, जो पलवल का हमारा नेशनल हाईवे 19 है उसको ये टच कर जाता है। तो हरियाणा राज्य में इसका जो कुल लंबाई है, इस एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है हरियाणा राज्य में, वो 44 किलोमीटर है, हरियाणा में 44 किलोमीटर है। अगर इसकी टोटल लेंथ देखें इस एक्सप्रेसवे की, वो 135 किलोमीटर है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा और क्या बनता है इसमें, कि जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है, वो 3097.6 किलोमीटर है। हरियाणा राज्य में वर्तमान स्थिति को देखते हुए कुल जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो 3097.6 किलोमीटर है। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हरियाणा में, नेशनल हाईवे 9 है, 285.9 किलोमीटर। जो सबसे छोटा है नेशनल हाईवे 148A है, 6 किलोमीटर। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, और जो पुराने हैं उनके नए नाम क्या हैं, वो कहां से कहां तक जाते हैं, और हरियाणा राज्य के जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो नए बने हैं, उनको आपके साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंट उठा सकें, जो अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो उठा सकें। तो जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।